हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेज वे विकेरा के जी रोड आ रहा से आज इस वीडियो क्लास में तीन बातें बताने जा रहा हूँ। पहला है दर्शन कोण, दूसरा बात बताऊँगा आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन, और तीसरी बात सरल सूक्ष्मदर्शी। ये तीन प्रश्न हम आज इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं दर्शन को, विजुअल एंगल। विजुअल एंगल दर्शन को, दर्शन को क्या होता है? किसी वस्तु के प्रतिबिंब या किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दर्शन कोण। ठीक है, दर्शन कोण जब वस्तु निकट होती है नेत्र से तो दर्शन कोण अधिक होता है, और जब वही वस्तु दूर चली जाती है तो दर्शन कोण कम होता है, घटते जाता है। जैसे जैसे वस्तु दूर जाती है वैसे वैसे दर्शन को घटते जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर नेत्र है आई, ठीक है, और यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है, मान लीजिए कि हाथी है ये, तो बहुत ज्यादा कोण यहाँ पर हाथी बना रहा है। जैसे जैसे यह हाथी दूर जाएगा, मान लीजिए कि हाथी यहाँ आ गया, ठीक है, तो अब दर्शन कोण जो है कम हो जाएगा, कम कोण बनाएगा। और ज्यादा दूर चला गया हाथी तो अब और कम कोण बनाएगा, है ना, मतलब दर्शन कोण और भी कम होगा। मतलब जैसे जैसे हाथी दूर जा रहा है वैसे वैसे नेत्र पर बना दर्शन कोण घट रहा है, ठीक है। तो मतलब सिर्फ हाथी ही नहीं, कोई भी वस्तु जैसे जैसे दूर जाती है वैसे वैसे दर्शन कोण कम होता है, और उस वस्तु द्वारा जो कोण नेत्र पर बनाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दर्शन कोण कहते हैं, ठीक है। तो पहला बात तो हो गया दर्शन कोण। अब हम लोग देखेंगे आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन। मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन, कोई भी प्रकाशीय यंत्र लेते हैं लेंस वगैरह तो वह किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण और प्रतिबिंब के स्थान पर ही वस्तु को रखने पर या वस्तु को मान लेने पर, प्रतिबिंब के स्थान पर वस्तु द्वारा बनाया गया दर्शन कोण दोनों के अनुपात को आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण बीटा है और वस्तु द्वारा बनाया गया दर्शन कोण अल्फा, तो आवर्धन क्षमता
या कोणीय आवर्धक, कोणीय आवर्धन बराबर कितना हो जाएगा? प्रतिबिंब बल द्वारा बनाया गया दर्शन कोण बटा वस्तु द्वारा बनाया गया दर्शन कोण, मतलब बीटा बटा अल्फा। और आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन को कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं, इसलिए हम यहां पर कैपिटल एम लिख दे रहे हैं। कैपिटल एम इज इक्वल टू बीटा बटा अल्फा, है ना, क्योंकि दोनों ही कोण है, बीटा भी और अल्फा दोनों का ही मात्रक रेडियल होगा, तो रेडियल और रेडियल कट जाएगा और इस आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है किसी लेंस के द्वारा और उसकी आवर्धन क्षमता 5 है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि किसी वस्तु का उस लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से कितना गुना दिखाई देगा, तो 5 गुना, ये आवर्धन क्षमता का अर्थ हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप, है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप सरल सूक्ष्मदर्शी। वैसे आप सभी के इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जिसमें प्रकाल स्केल होता है उसमें एक छोटा सा लेंस होता होगा जिसमें एक पकड़ने के लिए हैंडल भी बना हुआ रहता है, और जब उस लेंस को किताब के अक्षर के पास ले जाते हैं तो थोड़ा अक्षर बड़ा दिखाई देता है, वही है सरल सूक्ष्मदर्शी। मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी मुख्य रूप से क्या होता है, एक उत्तल लेंस होता है कम पावर का, है ना, और जब उस और उत्तल लेंस होता है और उस उत्तल लेंस में क्या होता है, फ्रेमिंग किया हुआ रहता है और उसमें एक हैंडल भी बनाया हुआ रहता है पकड़ने के लिए, इस तरह का होता है लेंस, ये हो गया लेंस। ठीक है, लेंस का पिछला भाग थोड़ा सा मोटा होता है, देखेंगे आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में से निकाल कर, तो बीचे थोड़ा सा मोटा होता है और किनारे पर पतला होता है। ठीक है, इसके चारों ओर फ्रेमिंग किया हुआ रहता है, ऐसे ये फ्रेमिंग किया हुआ है और यहाँ से एक हैंडल निकला हुआ रहता है, है ना, इस तरह का होता है, ये सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी एक उत्तल लेंस होता है जिसमें फ्रेमिंग किया हुआ रहता है और उसे पकड़ने के लिए एक हैंडल बना हुआ रहता है, है ना। जब इस सूक्ष्मदर्शी को, सरल सूक्ष्मदर्शी या उत्तल लेंस को इस तरह से रखते हैं कि जिस वस्तु का प्रतिबिंब देखना है वह वस्तु इसके फोकस दूरी के अंदर, तो उसका एक आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है उसी ओर जिधर वस्तु। ठीक है, तो लेंस को एडजस्ट करके उस वस्तु से दूरी को आगे पीछे करके, है ना, हम ऐसा एडजस्ट कर लेते हैं कि प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बने, अर्थात 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, है ना, तब उस सूक्ष्म वस्तु को हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यह जो उत्तल लेंस है यह छोटे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, अर्थात सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो देखते हैं पहले कि उत्तल लेंस में किस तरह से प्रतिबिंब बनता है उसको देखते हैं। देखिए ये हो गया एक उत्तल लेंस, ठीक है,
उत्तल लेंस हो गया, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये हो गया प्रकाश केंद्र, और एक वस्तु जो कि इसके प्रथम मुख्य फोकस के अंदर स्थित है ना, यहाँ इसका हम प्रतिबिंब बना रहे हैं। जितना दूरी पर एफ वन है उतना ही दूरी पर इधर क्या होना चाहिए, एफ टू होना चाहिए है ना। वस्तु को हम ए बी नाम देते हैं। ए से मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली जो किरण है वह लेंस से अपवर्तन के बाद कहां से होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस से, एफ से, या द्वितीय मुख्य फोकस भी इसे कहते हैं। और दूसरी किरण कहां से होकर गुजरेगी, प्रकाश के है ना, जो कि सीधे निकल जाती है। और ये लाइन थोड़ा सा हम सीधा कर ले रहे हैं, अब देख सकते हैं आप कि यह किरण कहीं भी एक दूसरे से नहीं मिलेगी, तो इसको हम पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं। पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं, दोनों अपवर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये किरणें मिल जाती है पीछे की ओर, वहीं पर प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी। तो देख सकते हैं आप कि ये किरणें वास्तव में यहाँ नहीं मिल रही है, बल्कि ये दोनों अपवर्तित किरणें जो है, ये दोनों अपवर्तित किरणें ए डैश बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए ए डैश बी डैश एक आभासी प्रतिबिंब है ना। और वस्तु से बड़ा है ये प्रतिबिंब, मतलब कि आवर्धित है, सीधा भी है, और किधर बना है, उसी तरफ बना है लेंस के उसी तरफ जिधर वस्तु लेंस के सामने बना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो प्रतिबिंब जो वस्तु द्वारा बना है कोण नेत्र पर, उसको हम क्या कहते हैं, वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण, और जो कोण बनता है प्रतिबिंब द्वारा उसे कहेंगे प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण, और इन्हें क्रमशः अल्फा और बीटा से व्यक्त, ठीक है। तो हम एक और फिगर बना ले रहे हैं, ये जो दूरी है ओ से बी डैश की, यह है डी, डी बराबर कितना होता है 25 सेंटीमीटर, स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी। तो हम यहाँ पर एक प्रतिबिंब को ले ले रहे हैं ए डैश बी डैश है ना, और यह जहां पर लेंस है वहां पर हम नेत्र को मान लें, तो कितना कोण बना रहा है बीटा, इसको ओ ही मान ले रहे हैं, यहाँ पर ओ बिंदु है तो बीटा कोण बन रहा है। और वस्तु को भी खिसका करके यहीं पर अगर ला दें यहां पर, तो वस्तु हो जाएगी ए डी, और वस्तु द्वारा बना कोण कितना है, तो अल्फा है, ठीक है। और ओ से बी डैश की दूरी है एक्स, एक्स नहीं डी, डी न मैंने है डी, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, ठीक है। तो कोणीय आवर्धन कितना होता है, कोणीय आवर्धन आवर्धन m इक्वल टू बीटा बटा अल्फा, लेकिन जब थीटा टेंस टू जीरो होता है तो उस समय टेन थीटा बटा थीटा का लिमिट लेंगे, लिमिट ऑफ
टैन थीटा बटा थीटा, व्हेन थीटा टेंड्स टू जीरो इज इक्वल टू वन है ना, और लिमिट ऑफ टैन थीटा व्हेन थीटा टेंड्स टू जीरो, तो ये थीटा इधर जाएगा बराबर कदाई और तो थीटा हो गया, मतलब थीटा टेंड्स टू जीरो जब थीटा का मान बहुत ही छोटा हो तो टेन थीटा लगभग किसके बराबर होता है, थीटा है ना, टेन थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है। ठीक उसी तरह से बीटा का मान बहुत छोटा हो तो टेन बीटा लगभग बीटा के बराबर होगा, तो हम बीटा के जगह पर टेन बीटा और अल्फा के जगह पर टेन अल्फा लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए टैन बीटा, तो टैन इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा था, तो त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में क्या पाते हैं, लंब हो गया ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बटा आधार हो गया ओ बी डैश, ठीक है, ओ बी डैश, ठीक है, बटा अब ए बी ओ में लेते हैं, तो लंब हो गया ए बी, टेन अल्फा के लिए ए बी बटा ओ बी, तो ओ बी तो ओ बी डैश के बराबर है, हम यहां पर लिख दे रहे हैं ओ बी डैश है ना, तो अब देखिए तो कितना आ रहा है, एम इजकल टू ए डैश बी डैश ये ओ बी डैश और ओ बी डैश कैंसिल, तो ए डैश बी डैश बटा ए बी। अब देख सकते हैं इस चित्र किरण आ रही है, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ और त्रिभुज ए बी ओ में देखिए ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ और ए बी ओ में ये कोण तो दोनों त्रिभुजों में है, कोण ओ और दोनों का ही एक एक कोण 90 डिग्री है, मतलब कि दोनों ही समरूप त्रिभुज है, तो क्या लिखेंगे, लेकिन त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ समरूप है त्रिभुज ए बी ओ के है ना, इसलिए इसकी इनकी संगत भुजाएं क्या होगी, समान अनुपात है ना, इसलिए ए डैश बी डैश बटा ए बी इज इक्वल टू ओ बी डैश बटा ओ बी, लिखेंगे ए डैश बी डैश बटा ए बी इज इक्वल टू ओ बी डैश बटा ओ बी है ना, तो हम यही मान रख दे रहे हैं समीकरण एक यहां पर रख दे रहे हैं, तो देखिए रखने पर क्या मिलता है, एम इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू ए डैश बी डैश बटा ए बी, उसके जगह पर हम लिख दे रहे हैं ओ बी डैश बटा ओ बी है ना, ओ बी डैश बटा ओ बी, तो आप देखिए ओ बी डैश ओ बी डैश बटा ओ बी, इस बी बिंदु की दूरी हम मान ले रहे हैं x, ठीक है, मतलब वस्तु लेंस से x दूरी पर स्थित है, ठीक है, तो ओ बी डैश कितना के बराबर है, डी के बराबर है और लेंस से बाई ओर है, इसलिए हम माइनस का चिन्ह दे रहे हैं माइनस डी, और बी बिंदु कितना दूरी पर है, एक्स दूरी पर और लेंस से बाई ओर है, इसलिए हम इसको माइनस एक्स लिख दे रहे हैं, मतलब डी बटा एक्स, एम इज इक्वल टू कितना हो गया डी बटा एक्स, ये एक्स सूत्र हो गया, ठीक है।
अब हम लोग लेंस फॉर्मूला को लेकर के चलते हैं। अब मान लिया जाए कि सरल सूक्ष्मदर्शी में जो उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी एफ ठीक है, वस्तु की जो दूरी है वो तो एक्स है, यहाँ लिखा हुआ है, मैंने वस्तु की दूरी को यू से सूचित करते हैं ना, यू इज इक्वल टू कितना है एक्स, बाईं ओर है इसलिए हम माइनस एक्स रख दे रहे हैं। प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनता है, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर डी दूरी पर बनता है, तो भी इक्वल टू हम लिख दे रहे हैं माइनस डी प्रतिबिंब की दूरी। लेंस सूत्र कितना होता है, वन बटा भी माइनस वन बटा यू इक्वल टू वन बटा ए, में ए यू इक्वल टू माइनस एक्स और भी इक्वल टू माइनस डी रखने पर, तो रख करके देख सकते हैं वन बटा भी इक्वल टू माइनस माइनस वन बटा यू, यू के जगह पर माइनस एक्स इक्वल टू वन बटा ए और माइनस वन बटा डी प्लस वन बटा एक्स इक्वल टू वन बटा ए, दोनों तरफ अब डी से गुना कर रहे हैं, दोनों तरफ कैपिटल डी से गुना करने पर, तो दोनों तरफ हम गुना कर रहे हैं कैपिटल डी से, देखिए क्या होता है, माइनस डी से इसमें गुना कर रहे हैं तो डी बटा डी प्लस, इसमें भी डी से गुना कर रहे हैं डी बटा एक्स, इसमें भी डी से गुना कर रहे हैं डी बटा एक्स है ना, तो ये तो हो गया माइनस वन, ये हो गया डी बटा एक्स, ये हो गया डी बटा एक्स और डी बटा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन उधर जाकर बराबर के दाई ओर जाकर के प्लस हो जाएगा, वन प्लस डी बटा एक्स, और इसको हम समीकरण किसमें रखें, यहाँ समीकरण ये दो ना है दो में रखें है ना, तो रख करके देखिए m इज इक्वल टू डी बटा एक्स, डी बटा एक्स के जगह पर वन प्लस डी बटा ए, ये भी आवर्धन का एक सूत्र हो गया, इसको हम समीकरण तीन मान ले रहे हैं ठीक है। और अगर वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर है तो उस स्थिति में क्या होगा, देखिए यदि प्रतिबिंब अनंत पर बने, इसको सामान्य समायोजन भी कर सकते हैं, प्रतिबिंब अनंत पर बने तो वन बटा भी माइनस वन बटा यू इक्वल टू वन बटा ए, जो कि एक लेंस सूत्र है, इसमें भी इक्वल टू अनंत, हल्कि अनंत के पहले माइनस प्लस नहीं होता है, और यू इक्वल टू माइनस एक्स रखने पर, तो रख कर देखिए वन बटा अनंत माइनस वन बटा माइनस एक्स, यू के जगह पर माइनस एक्स इक्वल टू वन बटा एक्स और एक में अनंत से भाग देंगे तो जीरो, ये माइनस माइनस खत्म, वन बटा एक्स इक्वल टू वन बटा एक्स, अब दोनों को पलट देते हैं ऊपर तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया एफ, तो एक्स इक्वल टू एफ ठीक है, इसे कहाँ रखते हैं समीकरण दो में रखने पर, रख करके देखिए एम इजकल टू डी बटा एफ है ना, ये हो गया समीकरण कितना तीन है ना, पहले से ये हो गया समीकरण चार, तो ये आवर्धन का सूत्र है। लेकिन एक बात और ध्यान देने लायक है कि ठीक है ये लेंस तो है, लेंस से हम किसी छोटे से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देख रहे हैं ठीक है,
अगर हम चश्मा में भी इस लेंस को लगा लेते हैं, ठीक है, चश्मा में भी लगा लेते हैं, तो भी नेत्र लेंस से शॉर्ट तो नहीं जाएगा ये। ये जो बाहरी लेंस है सूक्ष्मदर्शी के रूप में जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो नेत्र लेंस में शॉर्ट नहीं जाएगा या नेत्र लेंस ये नहीं बन जाएगा, नेत्र से कुछ दूरी पर ही न रहेगा। तो मान लेते हैं कि यदि लेंस की दूरी नेत्र से स्मॉल, यदि नेत्र से सूक्ष्मदर्शी के सूक्ष्मदर्शी के लेंस की दूरी स्मॉल ए हो, तो अब जरा सा ध्यान दीजिए, ये हो गया लेंस जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हो गया नेत्र आई, इन दोनों के बीच की दूरी है ए, तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है? नेत्र से वह दूरी मापी जाती है ना 25 सेंटीमीटर, नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है, उससे पहले स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती है ना। तो कैपिटल डी के जगह ये जो कहा गया, यह है समीकरण 3 में जो डी लिखा हुआ है, डी के जगह पर कितना हो जाना चाहिए? ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है ई में, ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? डी। तो ये तो नेत्र से न दूरी है डी, लेकिन जो सूक्ष्मदर्शी का लेंस हम रखे हुए हैं इससे इसकी दूरी कितनी होगी? डी माइनस ए। तो समीकरण 3 में डी के जगह पर क्या रखा जाए? डी माइनस ए रखने पर, है ना। समीकरण 3 में डी के स्थान पर डी माइनस ए रखने पर, तो रख करके देखिए एम इजकल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस डी के जगह पर डी माइनस ए बटा ए, तो ये हो गया आवर्धन का सूत्र, कोणीय आवर्धन का सूत्र, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, चूँकि सरल सूक्ष्मदर्शी से बहुत ज़्यादा सूक्ष्म वस्तु को हम नहीं देख पाते, अत्यंत सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करते हैं, अगले वीडियो में हम उसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए हम आप लोगों से विदा ले रहे हैं।